28 सितंबर 2002 के हुए कार एक्सीडेंट के बाद सलमान खान के सर पर लगभग 13 सालों से हिट एंड रन केस की तलवार लटकी हुई है। इस केस में सलमान पर कई चार्जेस के साथ मर्डर का भी चार्ज लगाया गया था। आखिरकार इस केस की आखिरी सुनवाई 10 दिसंबर 2015 को हो ही गई। दोपहर के वक्त आखिरी मुकदमा अदालत में चल रहा था, मगर सलमान मौजूद नहीं थे। 12 बजे के करीब जज ने उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। इसके तुरंत बाद सलमान अपनी फिल्म सुल्तान की शूटिंग को छोड़ 2 घंटे का लंबा सफर कर मुंबई हाई कोर्ट पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ उनके परिवार में से अलवीरा अग्निहोत्री और आयुष शर्मा के साथ उनका बॉडीगार्ड शेरा भी मौजूद था। ताज्जुब की बात ये रही कि सलमान के आने से पहले ही कोर्ट रूम में काफी भीड़ जमा हो गई। चाहे वो लॉयर्स हों या स्टूडेंट, इवन कोर्ट स्टाफ वेंट क्रेजी टू गेट अ स्मॉल ग्लिम्स ऑफ देयर फेवरेट सुपरस्टार। सलमान को कोर्ट रूम में बड़ी मुश्किल से ले जाया गया। उन्हें कोर्ट के कोने में खड़ा कर दिया गया, जहां वो जस्टिस जोशी के आने का इंतजार कर रहे थे। His eyes were a little moist. बार बार वो कभी ऊपर तो कभी अपनी आंखें बंद कर खुदा को याद करते रहे। आखिरकार जज ने उन्हें हिट एंड रन केस के सभी चार्जेस से मुक्त कर दिया। ये सुनते ही सबसे पहले अलवीरा के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी। She was constantly looking at her beloved brother. फिर सलमान ने अपनी बहन अलवीरा को गले से लगाया। जज के फैसले के बाद सलमान ने बेल बॉन्ड साइन किया, मगर कोर्ट फॉर्मेलिटीज के पूरे होने तक उन्हें पूरे 2.5 घंटे का इंतजार करना पड़ा। वेल, हाई कोर्ट ने तो सलमान खान के अच्छे दिन ला दिए, मगर अभी भी उन्हें कई मुश्किलों से गुजरना बाकी है।